अब ये बताओ किसी बॉडी पर फोर्स के कारण से अगर टॉर्क लगेगा देन द बॉडी विल टेंड टू रोटेट। अब मैं एक पहले एक पर्टिकुलर फॉर्मूला बताऊंगा फिर उसको मैं ड्राइव करूंगा, इट्स इंपॉर्टेंट, और बस मुझे 10 मिनट लगेंगे फॉर्मूले को समझाने में और पूरी क्लास फिर उस एक फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस पे डिवोट हो जाएगी। फॉर्मूला ये है, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। टॉर्क मतलब जो फोर्स लगकर बॉडी को क्या करवाने की कोशिश कर रहा है, रोटेट। आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट विच द बॉडी इज रोटेटिंग, एंड अल्फा इज योर एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अभी लेट्स कंसिडर अ पॉइंट टू बी डूइंग सर्कुलर मोशन, अ पॉइंट टू बी डूइंग सर्कुलर मोशन, अ पॉइंट मास, a point mass to be doing circular motion. So when there is circular motion, one force is acting towards center, that is called radial force, and the other force is along the tangent. ठीक है, अब ये derive करते हैं result, देखो कैसे interesting है, मजा आएगा। बच्चों, दिस इज अ फोर्स अलोंग द टेंजेंट एंड दिस इज द रेडियल फोर्स एंड द मास इज डूइंग व्हाट मोशन, सर्कुलर मोशन अबाउट दिस। तो ये लाइन इसकी क्या हो गई, देखो ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे घूम रहा है, सो दिस इज द एक्सिस, दिस इज द एक्सिस, ऐसे घूम रहा है, सो दिस इज द पॉइंट अबाउट विच द मास इज डूइंग व्हाट मोशन, सर्कुलर। अब ये बताओ, वन फोर्स इज दिस रेडियल एंड द अदर वन इज टेंजेंशियल, मैं अबाउट सेंटर दोनों का क्या निकालूंगा, टॉर्क, टॉर्क निकालूंगा। मैं, मेरा मन कर रहा है निकालने का, तुम बोलोगे क्यों निकाल रहे हो, मेरा मन है टॉर्क निकालने का भाई। तो इसका अगर टॉर्क निकालूंगा अबाउट द सेंटर, अबाउट द एक्सिस, देन दिस फोर्स एंड द लाइन दे आर पैरेलल, सो द टॉर्क ड्यू टू एफ आर विल बी जीरो। एफ टी एंड दिस दे आर परपेंडिकुलर, तो एफ टी और एफ टी के कारण से क्या क्रिएट होगा, टॉर्क, एंड दैट विल बी एफ टी इंटू आर, वेयर आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मैं यहां ये लिखूंगा, because FR and this, these the two lines are parallel, so no torque due to radial force. अब बताइए tangential force का torque, तो उसका torque होगा FT into R, because FT and R they are what, perpendicular, torque आ गया। अब if you remember, tangential force is mass into tangential acceleration, so एम ए टी आर, एम ए टी आर। तो देखो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखते हैं एंड इफ यू हैव नॉट फॉरगॉटन दिस, AT is alpha, where alpha is angular acceleration. M is the point mass rotating about a point having distance r. So mr square is the moment of inertia. So torque is equal to I alpha, where I is the moment of inertia and alpha is the angular acceleration. And even though there are two forces, but about the axis, about the point which is about which it is rotating, the torque is being created only by tangential force, not by the radial force. So torque is equal to I alpha. Torque is equal to I alpha. Are you clear with this? तो आगे जितने भी केसेस आएंगे जब हम पूरी क्लास डिवोट करेंगे, उसमें एक बॉडी होगी, वो रोटेट हो रही होगी, कोई फोर्स होगा जो टॉर्क क्रिएट कर रहा होगा अबाउट द एक्सिस,
टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, और अल्फा निकाल के निकालेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। लिखो इसको, एफ आर का टॉर्क जीरो इसलिए क्योंकि एफ आर एंड दिस लाइन दे आर पैरेलल, सो नो टॉर्क ड्यू टू एफ आर। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, कैन यू जस्ट टेल मी, लुक हियर, ये टेंजेंशियल फोर्स का टॉर्क वेयर इज इट पॉइंटिंग, इनवर्ड और आउटवर्ड? आउटवर्ड, इट इज आउटवर्ड, और वो बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है। प्लीज लिखो, कैन आई टेक यू फॉरवर्ड? चलो अप्लाई करेंगे अब।